हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा की रसोई में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वीट पोटैटो और बाजरे के बहुत ही टेस्टी और यम्मी से पुए की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल अलग तरीके से आपके लिए हम पुए की रेसिपी लेकर आए हैं और इसको बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी खा सकेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही पसंद आते हैं सभी को। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है ये 250 ग्राम बाजरे का आटा और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। हम गुड़ के पुए बनाएंगे और यहाँ थोड़े से वाइट तिल, थोड़ी सी कद्दूकस करके गरी, दूध से बहुत अच्छे बनते हैं ये, और थोड़ा सा आधा चम्मच करीब इलायची पाउडर, और दो यहाँ पर हमने शकरकंदी ली है यानी स्वीट पोटैटो। ये बहुत ही अच्छे इससे पुए बनते हैं और इनको हम छील कर मिक्स करेंगे आटे में ही, और दूध हम इसी में डाल देंगे। थोड़ा डालेंगे हम, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम और डाल देंगे। दूध से बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़े से तिल, इसके मतलब अंदर भी फ्लेवर आना चाहिए, इलायची पाउडर, गरी, और इन सभी चीजों को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छे पुए बनकर तैयार होते हैं। ये डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं क्योंकि हम गुड़ से बना रहे हैं। और यहाँ देखिए, पहले हम स्वीट पोटैटो को अच्छे से हाथ से मैश कर लेंगे ताकि आटे में मिलाए तो बड़ी आसानी से मिल जाए और बहुत ही सॉफ्ट पुए बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी, ये अच्छे से बॉईल किया हमने। और इसको रख देते हैं साइड में और हम गुड़ को थोड़ा सा हाथ से मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि चम्मच से करेंगे तो होगा नहीं, हाथ से अच्छे से हो जाता है ये। और हमने देसी गुड़ लिया है, ये बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, क्योंकि इसमें कम ही लगता है चाशनी, थोड़ा सा हम दूध और डालेंगे क्योंकि ये चिपक ज्यादा रहा है हाथ में। और गुनगुना दूध हमने डाला है इसमें, वैसा दूध नहीं डालना है, ठंडा, तभी ये गुड़ मेल्ट होगा। ये देखिए चाशनी जैसी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये आटा लिया हुआ है इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से मैश करते हुए इसी में मिक्स कर लेंगे ताकि ये गुठलियां ना रहे इसमें। गुठलियां रह जाती हैं तो बीच बीच में मोटा मोटा सा होगा। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं हम पहले। और यहां देखिए, ये शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो ऐसी लेनी है जिसमें रेसे ना हो, हमने ऐसी ही ली है जिसमें रेसे नहीं है। और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये भी मीठी होती है तो थोड़ा सा मिठास इसकी भी आ जाती है इसमें आटे में। और अब हम डालेंगे ये जो हमने चाशनी बनाई है, थोड़ी थोड़ी सी डालते हुए हम इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, क्योंकि ये फूलता भी है, बहुत जल्द फूल जाता है। ये देखिए इतने से में हो गया है, काफी कम लगता है इसमें पानी और यानी कि चाशनी वगैरह, लेकिन अभी हम और डालेंगे इसमें क्योंकि पुए तो मीठे ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा सीठे सीठे से पुए नहीं अच्छे लगते हैं। और ये हमने डालने के बाद अब हम इसमें अगर जरूरत पड़ेगी तो दूध और डालेंगे अलग से।
चलिए इसका डो बना लेते हैं। और यहाँ देखिए हमने सॉफ्ट साइज का डो लगा लिया है, बहुत ही अच्छा डो लगकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हमें डो लगाना था, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल पुए फटेंगे नहीं, बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे कि बूढ़े भी खा सकते हैं। अब हम पुए के लिए लोई को तोड़ लेंगे, छोटे छोटे से लोई, जितना आपको चाहिए, जितने बड़े पुए उतनी बड़ी आप लोई इसकी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे से पुए बनाएंगे, छोटे छोटे पुए बहुत ही अच्छे बनते हैं, इतने इतने से। चलिए लोई तोड़ लेते हैं। और यहाँ देखिए सभी लोइयों को हमने गोल कर लिया है। अब हम इनको बेलेंगे, और बेलने में बिल्कुल फटते नहीं है और बहुत ही अच्छे से बिल जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। पहले हम थाली में थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे क्योंकि थाली में चिपकेंगे नहीं। अब हम पुए में थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप बेल सकते हैं। और धीरे धीरे से इनको बेलना है क्योंकि टूटते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटते हैं। और इनको थोड़ा सा हाथ से ऐसे सेट भी कर लेंगे। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो बड़ा सा बेलकर आप कट कर सकते हैं। और थोड़े से इसमें हम तिल डाल देंगे, और तिल को भी हम ऐसे करके डालने के बाद थोड़ा सा बेलन से ऐसे कर देंगे, और इस तरह से हम पुए बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे पुए बनकर तैयार होते हैं। चलिए सब बेल लेते हैं। और यहाँ देखिए पुए को हमने बेल लिया है और बहुत ही अच्छे से बेल चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे यानी तल लेंगे। और यहाँ ली है हमने एक कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। अब हम पुए इसमें डाल डालकर एक एक दो दो तीन तीन जितने जितने आएंगे उतने हम पुए डालते हुए फ्राई कर लेंगे यानी तल लेंगे। और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे ताकि जले नहीं, और अलट पलट कर हम इनको फ्राई कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है पुए में, बहुत ही बढ़िया बनते हैं, एकदम सॉफ्ट। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बूढ़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से खाते हैं इनको, और झटपट से बन जाते हैं, बहुत ही बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं, कलर भी बहुत अच्छा आया है। चलिए हम फ्राई कर लेते हैं, इसी तरह से सारे हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ देखिए पुए बनकर रेडी हो चुके हैं, और बहुत ही यम्मी यम्मी से पुए, टेस्टी टेस्टी से। एक आपको हम तोड़कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं ये पुए, ये देख सकते हैं आप। और ये बूढ़े बुजुर्ग बहुत अच्छे से खा सकेंगे, बिल्कुल ही टाइट नहीं है, आपको दिखा रहे हैं हम। अगर ये हमारी रेसिपी स्वीट पोटैटो और बाजरे के आटे के पुए की आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।